सही नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। उमरिया जिले के पाली नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में पिछले 4-5 दिनों से लगातार भालू की हलचल तेज हुई है। ये भालू आवासीय क्षेत्र में ही घूमते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वहां के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और इधर वन विभाग है कि मूक दर्शक बना हुआ है। आज फिर दिखा भालू। उमरिया जिले के पाली नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में आज एक बार फिर से एक भालू नजर आया, जिसका लोगों ने वीडियो भी बनाया है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से वहां के लोग भालू को भगा रहे हैं। कुछ लोग केवल तस्वीरें बना रहे हैं तो कुछ लोग भालू को देखकर आनंद ले रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आवासीय क्षेत्र में अगर इसी तरह से भालू लगातार आते रहे तो कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है और वन विभाग की टीम है कि वो इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही है। लोगों ने की शिकायत। लगातार हर दिन आवासीय क्षेत्रों की ओर भालू के आने से लोग दहशत में हैं। वहां के लोगों ने वन विभाग की टीम को भी इसकी मौखिक शिकायत भी की गई है। दहशत में वो लोग जी रहे हैं और हर दिन भालू उनके घरों की ओर आ रहा है और कभी कोई बड़ी घटना हो सकती है। महुआ के गंध की वजह से आ रहे हैं भालू। भालुओं के इस तरह से आबादी क्षेत्र में आने को लेकर DFO उमरिया मोहित सूत ने लोगों से अपील की है कि सभी उमरिया के लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने खिड़की दरवाजे रात में बंद रखें। भालू जो है मुख्यतः महुआ की गंध से आकर्षित होता है, इससे बचने के लिए अपने महुआ को सुरक्षित रखें, उसे अलमारियों में बंद रखें जिससे गंध ना आए, और जैसे ही भालू किसी को कहीं पर दिखता है तो इसकी सूचना वन विभाग को तुरंत दें। जो भालू दिखाई दे रहे हैं पाली क्षेत्र में, उमरिया के और भी जंगल क्षेत्र में, उसमें मैं उमरिया वासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि सभी उमरिया वासी अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपने जो अब खिड़की दरवाजे हैं रात के समय बंद रखें। भालू जो है वो मुख्यतः महुआ की गंध से आकर्षित हो रहा है और इससे बचने के लिए अपना महुआ जो है वो भी सुरक्षित अलमारियों में बंद रखें, जिससे गंध बाहर ना आए, और जैसे ही भालू कहीं दिखता है किसी को कहीं पे, तो उसकी तुरंत सूचना वन विभाग को दें और अपना बना के रखें। वार्ड नंबर 1 ग्राम धौरई, समस्याएं ये हैं कि जहाँ जंगली जानवरों का निरंतर गांव में घुसना, जिससे गांव के लोग भयभीत हैं। अभी हाल ही में परसों के दिन खेत में एक भालू आ गया था और एक बुजुर्ग को हमला करते हुए उसने बचाया, जिससे गांव में भय का माहौल है। प्रशासन वन विभाग इसमें ज़रा भी जो है ध्यान नहीं दे रहा है और निरंतर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है गाँव वासियों को।